तीन दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे वियतनाम के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे बातचीत। देश के 24 राज्यों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी, झारखंड मणिपुर तमिलनाडु में 15 की गई जान। आज और कल उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून समेत 3 जिलों में शिक्षण संस्थान किए गए बंद। दिल्ली NCR में आज हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। यूपी में मौसमी गर्मी के बीच 40 डिग्री पारा पहुंचा, आज से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की उम्मीद। वायनाड में भूस्खलन से अभी तक 151 की गई जान, आपदा में 220 लापता, राहत और बचाव कार्य जारी। वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन पर अध्ययन में खुलासा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की उपेक्षा से बड़ा खतरा। भारी बारिश के चलते राहुल प्रियंका का वायनाड दौरा टला, शोक के मद्देनजर विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका। दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, राव कोचिंग सेंटर ने किया था ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक। दिल्ली की घटना से सीखते हुए लखनऊ में LDA का एक्शन, बेसमेंट में चल रहे 20 कोचिंग सेंटर सील, कार्रवाई जारी। हमास संगठन प्रमुख इस्माइल हानिया को ईरान में किया ढेर, इसराइल ने तेहरान में घुसकर घर को विस्फोट से उड़ाया। इसराइल की सेना ने 12 युवकों की हत्या का लिया बदला, हमले के जिम्मेदार कमांडर फुआद शुक्र को मार गिराया। वजन घटाने वाले अमेरिकी इंजेक्शन को भारत में मंजूरी, साइड इफेक्ट नहीं पर जिंदगी भर लेना होगा माउंजारो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, राहुल से पूछा राजीव गांधी फाउंडेशन में है कितने SC। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू जाति जनगणना पर कांग्रेस के रुख पर उठाया सवाल। अखिलेश के सवाल पर भड़के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बोले अग्निपथ पर राहुल के साथ आप भी फैला रहे अफवाह। सदन में अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर बरसे राहुल गांधी का, मुझे अपशब्द कहे लेकिन मुझे माफी नहीं चाहिए। प्रशिक्षु IAS पूजा की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, सिविल सेवा परीक्षा में गलत तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप। गर्भवती लोको पायलटों को हल्की ड्यूटी से बोर्ड का इनकार, का पहले से ही अवकाश सुविधाओं का है प्रावधान। दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के शिव भक्तों का डेरा, शिव में होने लगी राजधानी, भक्तों का हो रहा है सत्कार। डिजिटल क्रांति के मोर्चे पर दुनिया में सबसे आगे भारत, ऑनलाइन में तेजी, फिनटेक कंपनियों की बड़ी संख्या। स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए खतरा है ट्रंप, कमला हैरिस ने प्रचार अभियान के दौरान लगाया आरोप। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में दिख रही बराबरी की टक्कर, 7 राज्य तय करेंगे राष्ट्रपति चुनाव में हार जीत का अंतर। यूपी की 3 लाख निराश्रित महिला पेंशनरों का डाटा गायब, सर्वर पर साइबर अटैक से नहीं हो पाया इस माह भुगतान। खुर्जा रोड की परम डेयरी के मिल्क पाउडर में मिला डिटर्जेंट, कोर्ट ने फर्म संचालक पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। लोकसभा में जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पारित, 48.21 लाख करोड़ के बजट पर संसद की लगी मुहर। सीएम सिद्धारमैया ने राहुल गांधी और खड़गे के साथ की चर्चा, कर्नाटक में भाजपा के आरोपों से निपटने की बनी रणनीति। राहुल के आरोपों पर JP नड्डा ने विपक्षी दल से पूछा सवाल का, कांग्रेस बताए उसकी कार्य समिति में कितने OBC नेता। चीन के साथ निवेश बढ़ाने के सवाल पर बोले पीयूष गोयल, का पड़ोसी देश के साथ निवेश बढ़ाने पर अभी विचार नहीं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, कार्रवाई रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए डैशबोर्ड बनाए केंद्र। CRPF के 3 लाख जवानों अफसरों के लिए DMA बढ़ोतरी, 30%, 20% और 10% रहेंगी हाउस रेंट अलाउंस की नई दरें। नए राजस्थान भाजपा अध्यक्ष की पीएम मोदी से मुलाकात, मदन राठौर को प्रधानमंत्री ने संगठन की मजबूती के दिए टिप्स। यूपी में गुमराह कर शादी करने और धर्म परिवर्तन पर बड़ी सजा, विधानसभा में पास हुआ विधेयक, आजीवन कारावास का प्रावधान। जम्मू कश्मीर में इस साल 21 जुलाई तक 11 आतंकी घटनाएं, नित्यानंद राय बोले आतंकी घटनाओं में कमी का हो रहा है प्रयास। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया यूरोपीय संघ, भारत बांग्लादेश और फिलीपींस के लिए 2 मिलियन यूरो स्वीकृत। कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कांग्रेस को बताया किसान विरोधी का, UPA सरकार ने किसानों को नहीं दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लक्ष्मण प्रसाद ने लिए असम के राज्यपाल पद की शपथ, गुलाब चंद कटारिया के स्थान पर किया गया नियुक्त। चंद्र कुमार बोस ने खड़गे और राहुल से की खास अपील, का नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अवशेष लाने के करें प्रयास। अवैध तरीके से आए बांग्लादेशियों पर बोले कर्नाटक के गृहमंत्री का, वैध दस्तावेज ना मिलने पर गिरफ्तार कर भेजा जाएगा जेल। 2 अगस्त तक बड़ी सेंथिल बालाजी की ED रिमांड, भ्रष्टाचार के आरोप में हिरासत में है तमिलनाडु के पूर्व मंत्री। अधीर रंजन ने बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, AICC के राज प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने किया खुलासा। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर नोएडा पुलिस का मार्च, कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस कमिश्नर ने दिए सख्त निर्देश। अपर पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर ने कांवड़ मार्ग का किया भ्रमण, नोएडा सेक्टर 63 में पेट्रोलिंग व्यवस्था का लिया जायजा। नंद गोपाल नंदी के बेटे और बहू की गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट, डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी के उड़े पर खंचे, दूर जा गिरा टायर।
नोएडा पुलिस ने महिलाओं को अधिकारों के प्रति किया जागरूक, महिला सुरक्षा के बारे में भी अधिकारियों ने दी जानकारी। भारत ने तीसरे T20 में श्रीलंका पर दर्ज की शानदार जीत, सुपर ओवर में हराकर 3-0 से सीरीज पर किया कब्जा। भारत ने पहले 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 रन बनाए, जवाब में 20 ओवर में 137 रन पर ही पहुंच पाई श्रीलंका। सुपर ओवर में श्रीलंका ने भारत को दिया 3 रनों का लक्ष्य, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने चौका मारकर जीता मुकाबला। पेरिस ओलंपिक में हॉकी में भारत का दमदार प्रदर्शन, 2 मैच बाकी रहते ही क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। टेबल टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में उतरेंगी मनिका बत्रा, महिला मुक्केबाज लवलीना करना चाहेंगी विजय आगाज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।